Morning dear students, I hope you're doing great at home, right? This is continued video of subject computer, chapter 1, computer fundamentals. Before starting this video, let me show you the parts of computers. Ready? Parts of the computer. Monitor. It looks like a TV screen. Right, this is keyboard. This is an input device. By pressing keys, you can enter data. CPU, Central Processing Unit. And you already know, this is known as brain of the computer. Mouse. I already told you about the functioning of mouse, like left click, right click, and double click. This is printer. You can take print out of information you see on the monitor. Scanner. It creates an electronic copy of printed paper. Pen drive. Pen drive is a storage device which is very small in size. It can be easily carried in a pocket or bag. Pen drive can be used to store and transfer data from one computer to another. Did it? Great. Okay, to aage badhte hain. Next hai scanner. A scanner creates an electronic copy of the printed paper. Scanner kya karta hai? Printed paper ki ek electronic copy create karta hai. Fir wo monitor ke andar jati hai aur fir andar processing hoti hai. Uske baad wo hame result deta hai. ठीक है. नेक्स्ट है माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर. इट कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन नरेट अ स्टोरी एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर यूजिंग अ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन से क्या होता है, हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाते हैं. ये साउंड को इनपुट करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में. इससे हम डिफरेंट साउंड्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कोई स्टोरी सुना सकते हैं. जैसे हमने ये वीडियो बनाई आपके लिए, तो हमने अपना साउंड रिकॉर्ड किया माइक्रोफोन के थ्रू. राइट, लुक, दिस इज माइक्रोफोन. राइट, दिस काइंड ऑफ माइक्रोफोन. नेक्स्ट इज सीपीयू. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. CPU is responsible for processing the data given by the user. The process of changing the entered data into meaningful information is known as processing. Okay, so CPU is always kept inside a box called the CPU box. All the parts of the computer are connected to the CPU box through wires. तो जो CPU box होता है उसके अंदर CPU होता है और जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो वायर्स के थ्रू उससे कनेक्टेड रहते हैं बॉक्स में. एंड CPU किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोसेसिंग के लिए. ओके, CPU इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स. दे आर ALU, CU, MU. CPU मेन थ्री पार्ट्स का बना होता है, जिसमें फर्स्ट है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU, सेकेंड इज कंट्रोल यूनिट CU, थर्ड इज मेमोरी यूनिट MU. नंबर वन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. इसमें क्या होता है, इसमें सारी कैलकुलेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर. तो ये सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ALU में. नेक्स्ट पार्ट है कंट्रोल यूनिट CU. CU works like a supervisor or a manager. ये manager की तरह work करता है. Third है memory unit. CPU stores all the data and instruction that need to be processed in the memory unit. CPU क्या करता है, जितने भी instructions होते हैं उन सब को memory unit में रखता है. फिर memory unit इसको pass करती है कि इसको ALU में send करना है कि CU में. okay? So these were the input devices. Now output devices. The output devices are used to display the results of processing to the user. For example, output devices are monitor, printer, speakers are output devices.
जो चीज़ें हमें दिखती हैं, वी आर द यूज़र्स, तो हमें जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे हमें मॉनिटर में हम देख सकते हैं, और प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिल जाता है पेपर में, एंड स्पीकर से हम सुन पाते हैं. तो दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस. फर्स्ट मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर किसकी तरह दिखता है? टीवी स्क्रीन की तरीके से, राइट. द एक्शन दैट यू परफॉर्म यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड आर डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर. जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड, वो सब किस में डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में. यू कैन ऑल्सो व्यू पिक्चर्स एंड कार्टून्स यूजिंग द मॉनिटर. आप मॉनिटर में पिक्चर्स एंड कार्टून्स भी देख सकते हैं. मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज VDU. VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. ओके, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स. फर्स्ट इज CRT, मीन्स कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स. सेकेंड TFT, मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर्स. These days, the computer system come with TFT monitors as they occupy less space and emit less heat. Okay, so TFT is popular. Next is printer. A printer transfers the information that you see on a monitor onto papers. Printer क्या करता है? आप जो भी monitor में देखते हैं information, आप उसको printer की help से उसका print out ले सकते हैं. So the printed paper is called the print out. Some printers can print only in black and white, while others can print in any color. There are various type of printers available in the market. Market mein bahut tarike ke printers available hain. For example, dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. Of these, laser printers work very fast compared to other printer. In sab mein laser printer sabse tez kaam karta hai. Okay? Next, speaker. You can listen to music and sound effects using speakers. Speakers की help से आप music सुन सकते हो, right? So, this was all about output devices. Next is storage devices. Number one, hard disk. A hard disk is the main storage device of a computer. Number two, CD. CD stands for compact disk. CDs are circular in shape and can store lots of data. Number three, DVD. DVD stands for digital versatile disc. A DVD looks like a CD but can store more data than it. You may need to store the results of processing so that you can use them later. Hum apne results ko store karna chahte hain kyunki hum sometimes use baad mein use karna chahte hain. To uske liye hum kin devices ka use karte hain? Storage devices ka. ओके, ठीक है. तो हार्ड डिस्क कहाँ होती है? सीपीयू बॉक्स में होती है. हम जो भी वर्क करते हैं उसमें स्टोर होता है, ठीक है. नेक्स्ट है सीडी. इसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं. दे कैन बी इजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं सीडी को. थर्ड इज डीवीडी. डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. सीडी की तरह ही दिखता है बट कैन स्टोर मोर डेटा देन इट. लेकिन उसमें ज़्यादा स्पेस होती है, वो सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है. Next is pen drive. You know what is pen drive? Right. Pen drive is a storage device which is very small in size. इसको हम आराम से अपने पॉकेट में रख के, पर्स में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं. ये किस लिए यूज़ की जाती है? डेटा स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द वेरियस कॉम्पोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इन टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सिस्टम को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इन दोनों से मिलकर ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है. व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील. लाइक ऑल द डिवाइसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर अलोन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन. हार्डवेयर अकेले कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है. इट हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस. उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. तो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क इज कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को
जो कंप्यूटर को दिया जाता है एक टास्क करने के लिए हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल एमएस पेंट, एमएस पेंट में आप पेंट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सेकेंड इज नोटपैड, जिसमें आप राइट कर सकते हो। एंड थर्ड एग्जांपल इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस चैप्टर इज डन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, बाय बाय।